हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये रेसिपी है खोया पनीर, और उसमें जाएगा पनीर, टमाटो प्योरे, थोड़े प्याज कटे हुए, साथ ही जाएगा उसमें बटर, और साथ ही जाएंगे खड़े मसाले, सूखे खड़े मसाले, और साथ ही जाएगा इसमें खोया, जो खोया पनीर जिससे बनेगा उसको मावा जो कहते हैं, साथ ही कुछ मसाले जाएंगे जो आप देख भी रहे होंगे, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, और ये जो जाएगा साथ में कसूरी मेथी। और ज़्यादा मसाले इसमें मैं यूज़ नहीं करूँगी, पर बहुत ही टेस्टी टेस्टी खोया पनीर आपको बना के दिखाती हूँ। चलिए कढ़ाई में डाल लेते हैं हम मक्खन, और मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। पनीर के काट लेंगे हम क्यूब्स, और उन क्यूब्स को हम करेंगे इसमें रोस्ट थोड़ा थोड़ा सा। और हमको डीप फ्राई नहीं करना है, सिर्फ मक्खन में इसको सेकना है अच्छे से, और ये थोड़े थोड़े से पीसेस लेके आप इनको सेक लें अच्छे से। मैंने क्या किया कि हाफ हाफ करके मैंने इनको सेका था, और आप कटिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सी बनने वाली ये सब्ज़ी है खोया पनीर की। और ये जो है बहुत ही, मैं एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ उसको बनाने का, इसमें कुछ भी आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, और एक यम्मी सी रेसिपी आपकी बनकर हो जाएगी रेडी। और इसको ईज़िली जो लड़कियाँ आज की सीख रही हैं वो ईज़िली इसको बना पाएंगी, और ये उन्हीं बच्चों के लिए बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो चलिए इनको टर्न कर लेते हैं बटर से, ऐसे सीख गया ये कलर आ गया है, और इनको टर्न कर कर के वापस से आप जितने सारे पनीर के पीसेस हैं आप उनको सेक लें ऐसे ही, और सारे निकाल कर टोटल जो भी जितने भी आप पीसेस कर रहे हो ऐसे ही मक्खन में सेक लें इसको, क्योंकि एक रिच सी जो सब्ज़ी है वो आपकी बनकर हो जाएगी रेडी। और साथ ही इसमें थोड़ा सा हमने डाला ऑयल, थोड़े से खड़े मसाले जो हमने बताए थे, थोड़े से खड़े मसाले उसमें क्या है आप अपनी अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लौंग, इलायची, काली मिर्च, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। और हम साथ में डाल देंगे बारीक कटे प्याज, इनको चॉप करा हुआ है बहुत ज़्यादा बारीक, और इनका आपकी इच्छा के अनुसार है इसमें। वैसे मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जो आज की कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं, गर्ल्स हैं, उन लोगों को क्या होता है सीखने की रहती है चाह कि हम कुछ नया नया सीखें, तो उन्हीं के लिए है ये रेसिपी। और आप इसको कभी भी यम्मी सी अपने घर में डिशेस तैयार कर सकते हैं। और देखिए जब तक ये प्याज हमारा थोड़ा सिकता है, नेक्स्ट हम इसमें क्या डालेंगे, ब्राउन होता हो जाए प्याज, मसाले का मैंने पहले भी कई बार अपनी रेसिपी में ये बताया है कि आपको मसाला जो है अच्छे से भूनना बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है, और सब्ज़ी हमारी तभी जाके टेस्टी बनती है। उसमें डाल देंगे हम नमक, नमक क्या है कि स्पीड को हाई कर देता है मसाले को भुनने के लिए, तो प्याज की स्पीड हो जाएगी भुनने में तेज़। नमक हमने डाल दिया इसमें, साथ ही जाएगा इसमें टमाटर प्योरे। इस टाइम पर हमारा प्याज हो चुका है तैयार, तो इस समय पर अपना टमाटर प्योरे हम कर देंगे इसमें ऐड। और ये मैंने प्याज मैंने एक बड़ा लिया था, और टमाटर मैंने तीन लिए थे मीडियम साइज़ के, तो आप अपने जितना पनीर ले रहे होंगे, मेरा पनीर का एक पैकेट था तो मतलब 200 ग्राम का पैकेट, उसमें मैंने एक बड़ा प्याज, तीन मीडियम साइज़ के टमाटर वो मैंने यूज़ किए हैं। और इस टमाटर को आप अच्छे से भून लें कि टमाटर का जो पानी है अच्छे से सूख जाए, देखिए इस तरह से हो जाए, आपको करना इसी तरह से है। और भूनने के बाद इसमें अपने मसाले हम बाकी सारे ऐड करेंगे, देखिए अच्छे से तैयार हो चुका है ये, और इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे, हल्दी और साथ ही धनिया, साथ ही मिर्च। और मिर्च मैं इसलिए कम डालती हूँ क्योंकि घर में थोड़ा कम खाई जाती है, आप इसमें अच्छे से बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा गरम मसाला, और साथ ही इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे इस स्टेज पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी कि ये मसाला जले ना। और एक और चीज़ मैं इसमें मसाला बनते बनते चीज़ में बोलूँगी, आप मेरी वीडियोज़ को देखते हो तो वीडियोस को देखते टाइम अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ यार लाइक किया करो, और लाइक्स कम मिलते हैं तो बहुत ख़राब लगता है। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और इजी रेसिपीज़ भेजती रहूँगी, दिखाती रहूँगी, पर अच्छा नहीं लगता ना जब आप लोग इस तरह करते हो, लाइक्स बहुत कम मिलते हैं।
तो साथ ही हमने डाल दिया इसमें कसूरी मेथी, थोड़ा पानी और ऐड कर दिया। तो वही है कि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे आप चैनल को और लाइक्स कमेंट और शेयर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में करेंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये हेल्प तो आप मेरी कर सकते हो। तो जितनी हो सके मेरी वीडियोस को लाइक दो, और मैं वही बताती हूँ कि सिंपल तरीका मैं बताती हूँ खाना बनाने का, ईजी हो जाता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी सीखना चाहता है। तो लाइक्स तो थोड़ा किया करो, उससे क्या है कि एक मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए कि हाँ मेरे काम को सराहाया जा रहा है। और ये काम मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग हो उन लोगों के लिए किया था कि मुझे जो है आप लोग आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ऐसे ही मसाले को भून जाए हमारा, उसमें ऐड कर देंगे हम अपना खोया मावा। और इसको मैंने क्या किया था, थोड़ा सा दूध था मेरा, उससे मैंने मावा तैयार करके रखा था। कुछ मैंने एक मिठाई छोटी सी बनाई थी लौकी की, उसमें से हाफ मैंने बचा के रखा था इस रेसिपी के लिए ही। तो हम इसको ऐड करेंगे अच्छे से और इसको मिलाते जाना है, और ये रिच ग्रेवी जो है ना आपकी पनीर की, वो हो जाएगी रेडी खाने के लिए एकदम। तो इसलिए मैं यही मैं कह रही थी कि आपको अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो गाइज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो। और अच्छा लगता है जब आपके लाइक्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो मुझे आगे बढ़ने की जो एक रास्ता है ना वो मिलता है, मैं आगे और अच्छा करूँ, मुझे उसकी प्रेरणा मिलती है। तो एक ग्रेवी का आप देख रहे होंगे कलर कितना अच्छा आया है। और ये सब्ज़ी जो है आप रेस्टोरेंट में, शादियों में, आपने कहीं जगह पे इंजॉय की होगी, जब इसको आप घर पे ट्राई करोगे आपको वही मज़ा आने वाला है। तो और ये क्या है कि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है, इसी वजह से कि एक सिंपल से तरीके से मैं सिखाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास चीज़ों की जो अभाव होता है कि ना कि ये नहीं था वो नहीं था, तो ये चीज़ के लिए ये सब्ज़ी बेस्ट है, इसको आप ज़रूर ट्राई करना। और मैं ये बोलूँगी कि आप इसको इतना लाइक करेंगे, एक बार जब खाओगे तो आप पक्के पक्के से मुझे याद करोगे कि हाँ ये टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी आपने, मैंने जो सिखाया वो कितनी अच्छी बनी है। और देखिए इसका कलर बनने के बाद कितना अच्छा आया है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है बनकर। और साथ ही मैं एक पराठा तैयार करूँगी इसके लिए। और इसको हम क्या करेंगे कि मैंने सोचा था कि चलो एक पनीर की रेसिपी दे रही हूँ तो साथ में एक पराठा भी मैं इसमें रेडी कर देती हूँ। मैंने लिया गेहूँ का आटा, थोड़ा सा उसमें मोइन डाला, रिफाइंड ऑयल, थोड़ा पानी डालकर एक आटा तैयार किया। उसमें क्या करेंगे हम, लेयर्स देंगे पराठे में, पराठे को अच्छे से सूखा आटा लगा लगा कर एक पतली रोटी बेल लेंगे, मोटी रोटी नहीं बेलनी है, बहुत पतली सी रोटी बेलनी है। तो जितना आपके चकले का आकार हो उस हिसाब से आप बेल सकते हो। और इसके साथ लगा देंगे हम तेल, मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया था, इस पर अच्छे से ऑयल को ग्रीस कर देंगे। उसके ऊपर फिर हम सूखा आटा डस्ट कर देंगे। तो सूखा आटा डालने से क्या होगा, लेयर्स जो है अच्छे से निकल कर आएंगी, तो ये फैला दे अच्छे से। मैं मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ उसमें, गेहूँ का आटा है जिसे मैं रोटी बना रही हूँ। और इसकी लेयर्स बना लें इस तरह से घुमा घुमा कर, क्योंकि ऑयल आपने लगा रखा है तो उसकी लेयर्स आपकी निकल कर आएंगी। और ये तो एक नॉर्मल सा पराठा है, किसी दिन मैं आपको एक लच्छा पराठा अच्छा सा बना के दिखाऊंगी। और वैसे ये टेस्ट वैसे ही देगा, लच्छे पराठे का ही टेस्ट देगा, पर मैं और तरीके से क्या है कि अच्छे से तरीके से लच्छे पराठे को बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सोचा कि आज पनीर के साथ, खोया पनीर के साथ ये पराठा रेडी हो जाए। तो देखिए इसको क्या करना है आपने, मैं इससे चकले बेलन से नहीं बेल रही हूँ, इसको हाथों से ही प्रेस कर करके बड़ा कर रही हूँ। ऐसे सेम आपने करना है, इसको करेंगे बड़ा, और जैसे थोड़ा थोड़ा सा फैल जाए, मतलब आप अपनी रोटी के साइज़ में इसको ले लें, जिस तरह से रोटी आप तैयार करते हो उस तरह की साइज़ में आप इसको बना लें। और बस इसको तवे पे डाल के ऊपर से अपना, जिस तरह से पराठा नॉर्मल पराठा सेकते हैं वैसे पराठा सेक लें इसका, और हमारा कि यम्मी सा पराठा हो जाएगा रेडी। तो वही मैं बोल रही थी कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ किया करो, क्योंकि लाइक्स कम मिलते हैं तो एक दिक्कत होती है ना। तो उस चीज़ के लिए मैं वापस से कहती हूँ बार बार कि वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक किया करो। तो एक यम्मी सा पराठा हो रहा है बनके रेडी पनीर के साथ, और आप इसको चावल के साथ, पूड़ी के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हो।
तो आज मैंने बनाया इसके साथ एक पराठा। अदरवाइज़ अगर ये दोपहर के टाइम होता तो मैं इसके साथ पूड़ी बनाती, पर ये था शाम का टाइम तो मैंने इसके साथ में बनाया पराठा। तो एक यमी सा जो है पराठा बनकर हो चुका है रेडी, यमी यमी सी एक डिश के साथ। और मुझे पता है ये आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप घर पे ट्राई करोगे। और आप देख रहे होंगे इसमें पराठे में ना जब सिक रहा है तो उसमें लेयर्स दिख रही होंगी, तो वो लेयर्स आ जाएंगी अगर आप इस तरीके से पराठा बनाओगे। और यमी यमी सा जो है बनकर रेडी हो चुका है मेरा पराठा। और इसी के साथ मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी सर्व। तो सर्व करते टाइम देखना कि ये पराठे की लेयर्स कैसी आती हैं। और आई होप यू जो आप जो बोल रही हूँ मैं ना, आपको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है, बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इसमें लेयर्स कितनी हैं और ये पराठा बनकर हमारा हो चुका है रेडी। तो इसको हम करेंगे इंजॉय। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।